सतना शहर में बुधवार को दिनदहाड़े कट्टे की नोक पर अंजाम दी गई लूट की वारदात से सनाका खींच गया था। कोलगवा थाना क्षेत्र के कृष्ण नगर न्यूट्रिक पार्लर के समीप अपाची बाइक सवार तीन बदमाशों ने कट्टे की नोक पर नीमा पेट्रोल पंप के कर्मचारी को लूट लिया और तीनों आरोपी 4.5 लाख से अधिक की रकम लेकर फरार हो गए। तीनों आरोपी मुंह बांधे हुए थे। बीच में बैठे शख्स ने कट्टे से फायर भी किया, हालांकि फायर मिस हो गया, लेकिन तभी दूसरे ने चाकू लगाकर महेंद्र शर्मा के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद तीनों आरोपी बाइक में सवार होकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही एसपी बीबी पांडे और कोलगवा थाना स्टाफ मौके पर पहुंच गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर की पुलिस अलर्ट हो गई और अपनी सूझबूझ से काम करते हुए 6 घंटे के अंदर लूट के 2 आरोपियों को 2,20,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया, जो कि शहर के पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस ने बताया कि मौके वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान लुटेरों के बारे में साक्ष्य हाथ लगे हैं। विवेचना में आए साक्ष्यों के उपरांत और मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपी 29 वर्षीय पैया उर्फ गुफराम मुसलमान और 27 वर्षीय अशरफ खान पिता मुन्ना ट्रेलर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट की कुछ राशि और अपाची बाइक जब्त की गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ हुई लूट की घटना का एक आरोपी भागवत गुरु फरार है, जिसकी पकड़ हेतु संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है। महज 6 घंटे में शहर के अंदर हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में शहर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डेली रूटीन में कर्मचारी बैंक का पैसा लेके कमर्शियल बैंक में जमा करने जा रहे थे। 2 कर्मचारी थे, महेंद्र मिश्रा और एक वर्मा। एलआईसी टर्निंग पे 3 मोटरसाइकिल वालों ने उनके सामने गाड़ी दबाई, पटका उनको, वो कट्टा जो फायर आयर करने की कोशिश की, कट्टा मिसफायर हो गया और छोरा रखे थे जो जबरदस्ती उनसे तीन छान के वो भाग गए। कितने की लूट हुई है? 4,55,900। कितने आरोपी थे जिन्होंने लूट पानी? आरोपी थे हाफिज मायर। उनकी कोई पहचान? उन्होंने क्या सर पे कपड़ा या ऐसा कपड़ा बांधे थे, हेलमेट बांधे थे? घटना के वक्त किसी तरीके की मारपीट भी किया क्या उन्होंने? वो उसको पीना है, उसमें बैग पकड़ा हुआ है, छुरा वरा मारने की कोशिश की। आपका शुभ नाम? विश्वनाथ। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट।